Good morning, students. Today we will learn English of class 2. Let us learn a short story. The name of the story is Learning Together. The name of the story is Learning Together. Learning Together matlab ek hi saath seekhna. It is a very short and sweet story. Listen nicely. The main actors of the story is Rama, Jia and Hussain. तीन बच्चों का स्टोरी है ये. द मेन एक्टर्स आर रामा, जिया एंड हुसैन. इट इज अ स्टोरी विच इज हैपनिंग इन द स्कूल. लिसन, द बेल रैंग ट्रिंग. स्कूल में घंटी बजाया. इट वॉज लंच ब्रेक. लंच ब्रेक का, टिफिन का घंटी बजाया. द चिल्ड्रन रैन आउट ऑफ द क्लासरूम. बच्चा अपना टिफिन लेकर के बाहर खाने के लिए गया. Jia and Hussain had their lunch. Jia एक लड़की का नाम है, Hussain एक छोटा लड़का का नाम है. दोनों उनका टिफिन खा लिया. Then they ran to playground and started playing with the flying disc. ये दोनों बच्चा टिफिन खाने के बाद flying disc लेकर के ग्राउंड में गया खेलने के लिए. The disc flew and fell near a wall. इलोंगा डिस्क जो खिलौना था वो थोड़ा दूर में चला गया, दीवार पे आसपास चला गया. दे सो ए लिटिल गर्ल ग्रेसिंग हर कोट. जैसे इलो अपना खिलौना लेने के लिए दीवार के पास गया, वे दोनों देखा एक छोटी सी लड़की क्या कर रही है. शीज ग्रेसिंग हर बॉट. अपना बकरी को चरा रही है. शी वेव्ड हर हैंड एंड जिया इन रिटर्न. हाँ, वो बच्ची जो बकरी को चरा रही है वो अपना हाथ को वेव कर दिया. वेव वेव मतलब इस हाथ को दिखाना. इन रिटर्न जिया व्हाट शी डिड, शी आल्सो वेव्ड हर हैंड. जिया आल्सो वेव्ड हर हैंड टुवर्ड्स दैट गर्ल. डू यू नो हर, हुसैन आस्क्ड. अब ये छोटा लड़का जिया से पूछ रही है, जिया डू यू नो हर, क्या तुम उसको पहचानते हैं. जिया सेड शी इज रामा. उसका नाम क्या है, रामा. हर फादर इज ए सिक्योरिटी गार्ड ऑफ आवर अपार्टमेंट. वे लोग जहाँ रहते हैं वहाँ अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड है रामा का पिताजी. रामा एंड जिया स्टार्टेड टू टॉक. ये दोनों बच्चे लोग जानते हैं, सो दे स्टार्टेड टॉक ईच अदर. रामा वांटेड टू स्टडी. रामा को बात से पता हो गया रामा को स्कूल आना पसंद है, लेकिन उनका परिवार थोड़ा छोटा है, थोड़ा गिरी भी है. शी इज फ्रॉम ए पुअर फैमिली, सो शी इज अनएबल टू स्टडी. एंड शी इज मेंशनिंग हर फादर इज नॉट एबल टू पे द फी. सिस्टर इज नॉट रिटर्न फुली. इट इज ए नेचुरल ऑफ द स्टोरी, बट शी इज अनएबल टू कम टू द स्कूल. शी इज नॉट एबल टू कम टू द स्कूल बिकॉज ऑफ फिनेंशियल प्रॉब्लम, बिकॉज शी इज फ्रॉम ए पुअर फैमिली. सो हुसैन एंड जिया एग्रीड टू हेल्प हर. चलिए, ये दोनों बच्चों के आगे क्या सोचे, हुसैन एंड जिया एग्रीड. एग्रीड है दैट वी विल टीच यू टू रीड एंड राइट. हम दोनों तुमको लिखने और पढ़ने के लिए सिखाएंगे. कीपिंग द प्रॉमिस जिया टोल्ड रामा टू रीड. व्हेनेवर देयर वाज लेजर टाइम, व्हेनेवर देयर वाज ब्रेक, दोनों जिया एंड हुसैन बोथ ऑफ दम विल कम आउट. रामा आल्सो विल जॉइन विद दम. दे स्टार्टेड टू लर्न ईच अदर. हुसैन टोल्ड रामा टू राइट. हुसैन रामा को कैसे लिखने है सिखाया और जिया कैसे किताब पढ़ना है सिखाया. सून रामा लर्न टू रीड. बहुत अच्छा से रामा किताब पढ़ना सीख लिया. द थ्री ऑफ द वुड टुगेदर रीड एडवेंचर स्टोरीज. देखो ये लोग तीनों मिल करके पढ़ना शुरू किया. वे स्टार्टेड टू रीड एडवेंचर स्टोरीज एंड फेयरी टेल्स. शी ऑल्सो लर्न टू सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स. मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सिखाए. दे ऑल्सो सॉल्व नंबर गेम्स टुगेदर. तीनों बच्चा ये सारे रामा के लिए पढ़ाया. रामा हुसैन रंजिया तीनों मिलकर के बहुत सारा चीज सीख लिया. द मोर ऑफ द स्टोरी वी लर्न, लर्निंग टुगेदर इज ए फन इंडीड. द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज लर्निंग टुगेदर. हम लोग सब अपने अपने अकेले बैठ कर नहीं पढ़ना, एक दूसरे के साथ डिस्कस करके पढ़ना, एक दूसरे की मदद करना, वे हम लोगों को ज़्यादा नॉलेज देगा. वी विल लर्न सो मेनी थिंग्स. लर्निंग टुगेदर इज ए फन इंडीड. आई विल रीड द लेसन वंस अगेन.
Please listen carefully. The main both are children. All these three are children only, and it is the story is taking place in the school. And we will get a lot of moral from this story. The bell rang trill. It was lunch break. The children ran out of the classroom. Jia and Hussein had their lunch. Then they ran to playground and started playing with a flying disc. The disc flew and fell near a wall. They saw a little girl raising her boat. She waved her hands and Jia in return. Do you know her? Hussein asked her. Jia said, she is Rama. Her father is a security guard of our apartment. Rama and Jia started to talk. Rama wanted to study, but she is unable to come to the school. So Hussein and Jia agreed to help her to read and write. Keeping the promise, Jia taught Rama to read. Hussein taught Rama to write. Soon Rama learned to read, and three of them would together read adventurous stories and fairy tales. Adventurous stories मतलब साहसी वाला कहानियाँ. Fairy tales मतलब like a garden, like a fairy, like angels story. They also learned to solve maths problems. गणित का problem solve करने के लिए सीखे. They also solved number games together. Learning together is a fun indeed. Okay, this is a short and sweet story. बच्चों का story है. I have written in a short form. It is a natural I have written, but in your book it is written clearly. Please read and understand the story.